नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। कटनी के अंतर्गत आने वाले स्लीमनाबाद तिराहे में आज दोपहर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील मिश्रा के निर्देशानुसार जन आंदोलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्रवासियों को स्लीमनाबाद तिराहे में मूलभूत सुविधाएं जैसे सुलभ शौचालय, यात्री प्रतीक्षालय, बस व ऑटो स्टैंड, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की नियुक्ति एवं अन्य मांगों के संबंध था। इस बारे में इनके द्वारा पहले कलेक्टर महोदय को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था और सचेत किया गया था कि 15 दिवसों के अंदर वांछित मांगों की पूर्ति न होने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तारतम्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष सुनील मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष शाफत उर्फ बसोरी यादव, जिला प्रवक्ता मोनू यादव, वरिष्ठ कार्यकर्ता उमा शंकर पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष फिरोज खान व अन्य कार्यकर्ता एवं स्लीमनाबाद थाने का पुलिस बल उपस्थित रहा। संवाददाता प्रिया दुबे। आज हम स्लीमनाबाद क्षेत्र में क्षेत्र की कुछ विशेष मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी आंदोलन में है और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और हमारी जितनी भी मांग है इस क्षेत्र की जनता के लिए जायज मांगे हैं, उन मांगों को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आम आदमी पार्टी से जिला प्रवक्ता मोनू रजक। मैं आम आदमी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, ग्राम सलैया फाटक, तहसील बोहरीबंद, जिला कटनी का हूँ। ये स्लीमनाबाद ग्राम की मांगों को लेकर, क्योंकि ये तहसील घोषित हो गया है, यहाँ पर मूलभूत समस्याओं की बहुत निस्तार की कोई सुविधा नहीं है, तो हमारी क्षेत्र की जनता की मांग ये है, स्लीमनाबाद ग्रामवासियों की मांग ये है कि पहली मांग है कि स्लीमनाबाद में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है पर डॉक्टर नहीं है, इसलिए हमारा आग्रह है कि डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। और दूसरी मांग ये है कि ग्राम स्लीमनाबाद त्रिगड्डा में सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जाए। और तीसरी मांग ये है कि ग्राम स्लीमनाबाद त्रिगड्डा में एक कटनी की ओर, एक जबलपुर की ओर, एक पान उमरिया ढीमरखेड़ा की ओर यात्री प्रक्षालय का निर्माण कराया जाए। और चौथी मांग ये है हमारी कि स्लीमनाबाद त्रिगड्डा में बस स्टैंड बनाया जाए। और पांचवी मांग ये है कि कोहका मोड़ से स्लीमनाबाद बस्ती रोड भेड़ा टेक तक 4 लेन का बनाया जाए, दोनों साइड नाली निर्माण, बीच में डिवाइडर और बीच में स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। छठवीं मांग ये है कि स्लीमनाबाद त्रिगड्डा से रेलवे स्टेशन बद्दी तक 2 लाइन का रोड बनाया जाए। सातवीं मांग ये है कि तहसील स्लीमनाबाद तहसील में लोक सेवा केंद्र की स्थापना अतिशीघ्र की जाए। आठवीं मांग ये है कि स्लीमनाबाद को तहसील घोषित हुए 3 वर्ष हो गए, न यहाँ तहसीलदार की नियुक्ति की गई, न SDM कार्यालय का बनाया गया, इसलिए जनता को अत्यधिक परेशानी है, इसलिए इनकी नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए, ये हमारी मांगे हैं।